अल्लाह निशान में पहुंचेगा। बिल्कुल, इवनिंग सेशन के लिए यहाँ पे एक डिप में खरीद करके चलना चाहिए, पर्टिकुलर गोल्ड के लिए। हमारा मानना है कि यहाँ पे 28,950 और 28,850 काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस लेवल बना हुआ है, सपोर्ट लेवल बना हुआ है। जब तक इन लेवल्स को मार्कर ब्रीच नहीं कर रहा है, तब तक हर डिप में बाई की जा सकती है। जो नेक्स्ट मूव रहेगा आने वाले दिनों के लिए, वो नेक्स्ट वीक की फेड मीटिंग पे या जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इंडिया की आने वाली है, उससे हमें काफी लगा अच्छा क्ल्यू मिलेगा। बट इंट्राडे के लिए यहाँ पे डिप में बाई करके चलना चाहिए, पर्टिकुलर फॉर गोल्ड। ओके, चलिए हमारे साथ अब सुमित जुड़े हैं गाजियाबाद से, गोल्ड पर सवाल पूछना चाहते हैं। सुमित पूछिए। मैंने अभी सही रहेगा गोल्ड बाई करना या मैं कुछ टाइम रुक के करूं? चलिए, आप जानना चाहते हैं कि गोल्ड में क्या ये खरीदारी का सही वक्त है? अजय जैन, आपकी राय क्या होगी इनके लिए? देखिए, मेरे को लगता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा इनको यहाँ पे वेट करना चाहिए। अगर हम देखें तो गोल्ड की जो रेंज है वो 29,000 से लेकर 29,300 350 तक की दिखाई दे रही है। मुझे लगता है इवन इंट्रा डे के लिए भी अगर देखें तो 29,240 250 के आसपास जो है आज सेल करके चल सकते हैं, 29,350 तक का स्टॉप लॉस लेके, और वापस आपको एक बार 29,000 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी देखा है कि जिस तरीके से गोल्ड अभी $1,230 के आसपास आज उसको टच कर दिया, तो टेक्निकली अभी वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई नहीं देता, एक बार दोबारा से यहाँ पे बीयरिश सिग्नल दिखाई देता है। ओके, जब तक 29,400 के ऊपर नहीं जाता, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा अपसाइड पे इसको बेच के चल सकते हैं। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी जी बिजनेस पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपके पास भी कमोडिटी बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट हैं। आप टोल फ्री नंबर के अलावा 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल पर। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे साथ राहुल हैं महाराष्ट्र से, हल्दी पर इनका सवाल है। राहुल पूछिए। सर, चना मैंने 3,130 पे खरीदा हुआ है। चने में आपने बाइंग की है? हाँ सर, 3,130 पे फाउंड कॉन्टेक्ट में। ओके, तो अजय जैन बताइए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर चने में देखें तो यहाँ पे टेक्निकली जो है वो काफ़ी यहाँ पे वीक नज़र आता है, फंडामेंटल्स भी कोई ऐसा सपोर्टिव नहीं है, तो मेरे ख्याल से इनको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ पे 2950 2960 रुपये तक के भी जो है वो भाव इनको देखने को मिल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कल मॉर्निंग सेशन में जो है इनको एग्जिट कर लेना चाहिए, और वहाँ पे ये शॉर्ट पोजीशन में भी खड़े हो सकते हैं 3,070 तक के स्टॉप लॉस लेके, और 29,050 तक का भाव का इंतजार कर सकते हैं। शिवाजी हैं महाराष्ट्र से, हल्दी पर सवाल पूछना चाहते हैं। शिवाजी पूछिए अपना सवाल। शिवाजी, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, और यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि चीन की जो पीएमआई है वो 50 से नीचे पहुंच चुकी है। अभी रतन दारा, आपको लगता है कि मेटल्स की कीमतों पर दबाव आगे भी कंटिन्यू रहेगा या रिकवरी की उम्मीद की जाए? बिल्कुल, यहाँ पे जो चाइना का डेटा 6 महीने के बाद वो जो फैक्ट्री एक्टिविटी कम हुई है उसकी इम्पैक्ट एक बिल्कुल नेगेटिव बन रही है बेस मेटल्स के ऊपर। गोइंग अगर अगर आगे बात करेंगे, आगे आने वाले क्वार्टर के लिए, आने वाले महीनों की बात करेंगे, बिल्कुल सेकेंड क्वार्टर में जनरली चाइना की जो एक्टिविटी होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ज़्यादातर रिवाइव होती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हम मार्च या अप्रैल में यहाँ पे डिमांड अच्छी खासी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट टिल देट लग रहा है कि ये जो सप्लाई क्रंच, सप्लाई एक्सेस जो दिख रही है ओवरऑल द बेस मेटल काउंटर में, और या तो पर्टिकुलर कॉपर के लिए, तो ये चीज मुझे लग रही है कि हर एक रैली पे दबाव देगी और एक सेलिंग प्रेशर दे सकती है। जी 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 जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी हमने जो आपको खबर बताई थी कि जो इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्री, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए,
डेवलपमेंट उस खबर में यह है कि अभी वित्त मंत्रालय के हवाले से एक खबर आ रही है कि गोल्ड इंपोर्ट पर सख्ती जारी रहेगी, यहाँ पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि चालू खाता घाटा कम होने तक इंपोर्ट पर सख्ती कंटिन्यू रहेगी। अभी हमने आपको बताया था और जी बिजनेस पर ज्वेलरी फेडरेशन के चेयरमैन ने इस बात की पुष्टि की थी कि इंडस्ट्री ने ड्यूटी कम करने के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात की है और उनसे डिमांड किया है कि ड्यूटी में कटौती 2 से 5% तक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वित्त मंत्रालय की तरफ से यह बयान आ रहा है कि फिलहाल गोल्ड इम्पोर्ट पर सख्ती कंटिन्यू रहेगी। तो इस पूरे मामले में ये अपडेट है कि शायद इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो ना मानी जाए वित्त मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि सरकार की अभी भी सबसे बड़ी चिंता चालू खाता घाटा को लेकर है। इस तरह के जो कॉन्ट्राडिक्शन है, विभु रतन द्वारा क्या लगता है आपको बाजार का सीन क्या होने वाला है आने वाले समय में? बिल्कुल, जिस हिसाब से यहाँ पे खबरें आ रही है कि जो पहले भी जो कदम उठाए गए थे दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ की इंक्रीजिंग कैड, उसको देखते हुए लिया गया था, तो ये चीज अभी यहाँ पे इतनी अच्छी सी यहाँ पे रिवाइव नहीं हुई है। बिल्कुल इंडस्ट्री की जो मांग है वो जारी से यहाँ पे फिजिकल ट्रेड में काफी दिक्कतें हो रही है, स्मगलिंग बढ़ रही है, यहाँ पे जो सप्लाई है वो इतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है, ये चीज बिल्कुल है। बट जो गवर्नमेंट अपनी जो स्टेप है उसके ऊपर यहाँ पे जो बनी हुई है वो दैट इज प्योरली ऑन द कैड बेसिस, और वो चीज अभी यहाँ पे नहीं दिख रही कि इमीडिएट उसकी इंपैक्ट दिखे हमें। जी चलिए, अगर सवाल हमारे साथ हैप्पी हैं सिरसा से, कॉटन पर सवाल पूछना चाहते हैं, हैप्पी पूछिए। नरमे के बारे में बताओ, नरमा क्या रेट उठ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कॉटन के बारे में? कॉटन का भाव आने वाले समय में क्या होगा? अजय जैन क्या लगता है आपको? देखिए कॉटन के अंदर हम देखें तो अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे तेजी दिखाई दे सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि करंट भाव से भी आपको 10 से 15% की तेजी दिखाई देगी। तो अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो मुझे लगता है आप यहाँ पे बाय करके चले तो आपके लिए ठीक रहेगा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स भी है यहाँ पे सपोर्टिव है और टेक्निकली भी यहाँ पे मुझे लगता है कि 1550-1560 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आपको दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद ही सवाल जवाब का सिलसिला जारी है।